वेलकम टू नेहा शिवा ऑफिशियल और मैं हूँ पुट्टू और आज मैं कर रहा हूँ सबका वेलकम। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नेहा शिवा ऑफिशियल पे। और वीना दी का तो शादी हो ही गया, आप लोगों ने सब कुछ देखा ही ब्लॉग में, कितना ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया और कितने अच्छे से पूरी वेडिंग हुई। और वीना दी अब अपने ससुराल चली गई, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन फिर हो गया हमारा वही डेली वाला रूटीन स्टार्ट। और सुबह सुबह हम लोग उठे हैं, चाय वगैरह पिए हैं, शिवाजी नहाए भी हैं। मैं तो मतलब रोज ही नहाती हूँ 7 बजे, लेकिन शिवाजी कभी कभी नहाते हैं, तो इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ कि शिवाजी नहा लिए हैं। गाइस, आप लोग थोड़ा चेहरा देख के फील करिए कि कौन नहाया है और कौन नहीं। हाँ प्लीज, आप लोग चेहरा देख के बताइए कि मैं नहाई हूँ या शिवाजी नहाया है। गाइस, मेकअप पे मत जाइएगा। मेकअप मैंने कुछ किया ही नहीं है। लिपस्टिक लगाई हो? हाँ लिपस्टिक लगाई हूँ ना बस। लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक। वैसे हम लोग अभी जा रहे हैं जो हमारा न्यू वाला घर बन रहा है वहाँ पे, क्योंकि शादी के वजह से काम एकदम रुक गया था, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था और शिवाजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे और क्या लगता है कब तक हो पाएगा कंप्लीट हमारा घर। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे काम चल रहा है। और तब तक आप लोग पुट्टू से थोड़ा बात कर लीजिए, सबको बोल दो हेलो। हाय। हाँ हेलो। और नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो सबको। नमस्ते अली याल। जय भी कर दो। जय कर दो। जय जय ये। और किसी दे दो, किसी दे दो एक अली याल। सो गाइज, हम लोग फाइनली प्लॉट पे आ गए और देखिए वहाँ पे काम चल रहा है। जो हमारे बाहर का जो गेट है वहाँ पे ग्रेनाइट लग रहा है, बहुत अच्छे से लगाते हैं ये काम जो भैया हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ये भैया। यही टाइल्स और ग्रेनाइट का काम कर रहे हैं हमारे घर में। आपने कहाँ से सीखा ये? I'm multi-talented from my born. ये टाइल्स वाइल्स लगाना कहाँ से सीखा आपने? Multi-talented हूँ मैं। Multi-talented है? All round. ये डायमंड का इयररिंग आपको किसने गिफ्ट किया था? मैंने खुद को गिफ्ट किया था। अच्छे से याद करिए। तुमने ही गिफ्ट किया था? क्यों झूठ बोल रहे हैं? और क्यों मैं बोलूं कि तुमने गिफ्ट किया था? जो इंसान मैंने पुट्टू को ये लगाया है हाथ में अभी और वो बार बार इसी को देख रहा है कि ये क्या है। पुट्टू उसको नोचते नहीं है बेटा, वो नजर सुरक्षा यंत्र है। हाँ पापा को भी दिखा दो, पापा को दिखा दो। ये मैंने अपनी गाड़ी में भी लगाया है। आपको लगता है कि मैं बहुत ओल्ड विचारों की हूँ? हाँ देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ओल्ड विचार के हैं, बस ये है कि हर इंसान को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं दुनिया में, जो मतलब आँख के सामने से दिखती हैं, उन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए जी। इसको गाड़ी में लगाने से बहुत सारी चीज़ों से आराम मिलता है, इसलिए इसको मैंने लगाया है। चलिए चलते हैं। सो गाइस, देखिए पूरा खिड़की वगैरह सब लग गया है और पूरी सीढ़ी पे ग्रेनाइट भी लग गया है और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मिरर भी लग गया है, देखिए सीढ़ी पे मिरर लग गया है, ये ऊपर वाली सीढ़ी पे भी लग गया है और ये देखिए ये पूरा फॉल सीलिंग हुआ है हमारा हॉल। अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब इसमें लाइट्स वगैरह लग जाएंगी और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तब बहुत अच्छे से दिखेगा आपको।
बड़ा है तो इसीलिए इसमें बड़ा सा फॉल्स सीलिंग कराना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये है मेरा रूम जिसमें पूरा विंडो हर जगह लग गया है, अच्छा लग रहा है ना, विंडो पर मेरा भी अच्छा है। यस, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा गंदगी ये हो गया है देख सकते हैं, बाहर से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यही लगा था, हम तो यही लगा था, उम्मीद गया अभी। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। दीपक ने बोला तो मेरे को आना नहीं है, तो गाइज आज बहुत दिन बाद मैं रेस्टोरेंट आई हूँ खाना खाने, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं रोज़ घर पे खाना बना रही हूँ और एकदम पक गई हूँ बना बना के। और देखिए पुट्टू भी आया है। जी आप मुझे पिछले 2 महीने से क्यों नहीं बाहर कुछ खिला रहे हैं? आज ये कलयुग ऐसा है कि लोगों को झूठ बोलने में थोड़ा भी हिचक नहीं आती है। बाकी कल रात कल रात में भी ये बाहर गई थी खाना खाने के लिए, वो व्लॉग में मैं दिखा नहीं पाया था, और आज सुबह भी आई है और लगभग 25-30 हज़ार रुपए का स्विगी का इसका ट्रांजेक्शन रहता है महीने में। इतनी भी काम चोर नहीं हूँ मैं इतनी भी काम चोर नहीं हूँ मैं, रोज़ दाल चावल सब्जी पराठा सब्जी अप्पी आलू का पराठा इडली डोसा सब घर ही पे बनाती हूँ। और तुम मेरी इतनी बुरा कर रहे हो? जो घर पे बनाती है वो भी सारा फास्ट फूड फैटी वाला रहता है, और बाहर भी खाती है वैसे ही खाती है, फिर दिन भर पूछती है कि पतली हो गई हो कि नहीं मैं पतली हो गई हूँ गाइस इनका ज़्यादा निकला हुआ है, मेरा कम है। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हैं नेहा पाठक अपने डाइट पे लगातार ध्यान दे रही हैं, काफी पतली भी इसीलिए होते जा रही हैं। बहुत टेस्टी है, टेस्टी तो है देखने में लग रहा है, पर आप गजब अपने डाइट को फॉलो कर रही हैं। डोसा खा रही हूँ मैं इसीलिए ताकि डाइट मेंटेन रहे। आपसे ज्यादा डाइट को वो फॉलो करता है ये बच्चा। सही है, दोनों का जोड़ी अच्छा है। और ये है यूशी कुछ नए अवतार में, मतलब नए लुक में, हमको कापा के नाम से जाना जाता है। किसे? कापा। कापा। और ये कुछ अच्छा खा रहा है क्योंकि इसमें दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ अचार सलाद, मतलब जो घर पे बनता है वही है ना। तो कैसा है टेस्ट? बढ़िया है। और मैं, मेरा मत देखो आप लोग क्योंकि मैं इडली खा रहा हूँ और रसमलाई खा रहा हूँ। ये भी रसमलाई खा रही है ना? नहीं, खा गई। खा गई। ओ बहुत फास्ट हो यार तुम तो। चलो अब आगे हम लोग खा लेते हैं, फिर कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों को।